वेलकम बैक फ्रेंड्स, अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बहुत ही यूनिक सब्जी बनाने वाली हूँ पत्ते गोभी से। एक ही तरह की सब्जी खा के इंसान बोर हो जाता है, तो मैंने एक बड़े साइज के पत्ते गोभी को लिया था जिसे मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहे तो उसे बारीक कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सब्जी को बनाने। यहाँ मैंने पत्ते गोभी को ले लिया है जिसे मैंने दो भाग में कर दिया है। इसे थोड़ा मोटा मोटा इसमें मैंने कट कर रखा है और इसे मैंने बारीक क्रश किया हुआ है। दो टमाटर कट किया है, दो प्याज और थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़े दो चार हरी मिर्च और लहसुन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको ये दोनों को हम साइड कर देंगे और ये जो बाउल में मैंने पत्ते गोभी लिए हैं इसको हम इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक से पत्ता गोभी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और आधा चम्मच डालेंगे घर का बना वेजिक मसाला और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसमें चाट मसाला, जो थोड़ा चटपटा हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे तीखा वाला लाल मिर्च आधा चम्मच, थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा मैंने लिया है फ्रेंड्स, और मैं एक कप यहाँ बेसन डाल रही हूँ इसमें। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। तो पत्ते गोभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये काफी थिक है और टाइट है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। इसको थोड़ा सा ढीला करना है। तो अभी ये थोड़ा सा ढीला हो गया, अभी इसे हम साइड रख देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस पे पैन रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल को पूरी तरह से हमें गरम कर लेना है। जब ऑयल में स्टीम बनने लगे तो फिर हम बाकी चीजों को इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है, इसमें थोड़ा सा पहले हम हींग डालेंगे। हींग से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन। इसे चटकने देते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन को। लहसुन को डाल के थोड़ा आप साइड हो जाएं क्योंकि इसके छींटे बहुत तेजी से स्किन को जला सकते हैं। अब कटी हुई मिर्च, मिर्च और लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज को। दो मिनट फ्राई कर लेते हैं प्याज को। फ्रेंड्स, दो मिनट हो चुका है। टमाटर को भी ये डाल देते हैं इसी में। और टमाटर के साथ हम इसमें पत्ते गोभी को भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अब थोड़ा एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल देंगे और डाल के दोनों को मिक्स कर लेंगे, नमक और धनिया पाउडर को।
अभी मैंने एक स्टील का प्लेट लिया है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मिक्सचर को हम डाल देंगे और इसे हाथों से अच्छे से सेट कर देंगे प्लेट में। तो यह मैंने इसे सेट कर लिया है। और ये जो हमारी सब्जी है, ये अभी इसमें थोड़ा हम पानी डाल देंगे इसको गलने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए। ये गलेगी तभी इसको हम भून पाएंगे। और मैंने एक छोटी कटोरी लिया है और इसको हम इसमें रख देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम इसे रख देंगे। और हम ढक्कन को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम छोड़ देंगे 15 मिनट। तो 15 मिनट बाद आइए चेक करते हैं। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। ये पूरी तरह ठीक हो चुका है। बाकी के जो पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर है उसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए आप कितना अच्छा से ये गल चुका है। फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा कूटा हुआ गरम मसाला। और 1 चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ सब्जी मसाला। अब हम किसी भी मसाले को नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, तो जो भी डालना था मैंने डाल दिया है। अब इसे हम भूनेंगे। और हल्दी, मसालों को बहुत अच्छे से हमें भूनना है एकदम लो फ्लेम पे। तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स मसाले भून चुके हैं, आप देख सकते हो मसालों से जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पानी। हमने 1 गिलास के करीब पानी डाला है। आपको ज्यादा ग्रेवी पसंद हो तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हो। अब इसे हम ढक देते हैं बॉयल होने के लिए। फ्रेंड्स, जो हमारा पत्ते गोभी का मिक्सचर था इस ठंडा हो चुका है, और इसे हम पीसेस कट कर लेते हैं। आपको जैसे पीसेस पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ थोड़े बड़े बड़े पीस कट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पीसेस कट कर लिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से। जो ग्रेवी है वो भी उबल चुकी है। अभी इसमें हम पीसेस को ऐड करेंगे फ्रेंड्स।
पीस ऐड करने के बाद इस सब्जी को हमें चलाना नहीं है, बस ऐसे ही ढक देना है। खाते टाइम बस हमें इसे निकालना है। पांच मिनट तक ऐसे ही बॉयल होने देते हैं इसे सब्जी को। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, आप देख सकते हो, और सब्जी का कलर बहुत प्यारा आया है। हम आपको चला के भी दिखा देते हैं सब्जी को, बहुत ही थिक बना है ये। और अभी हम क्या करेंगे, इसे हम धनिया से गार्निश करेंगे। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।